तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कार फॉर सेल सिमुलेटर क्लाउड गेमिंग एमुलेटर में कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके कंट्रोल के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताना हूँ। तो सबसे पहले आपको माउस, जैसे आप लेफ्ट राइट पबजी में करते हो वैसे आपको माउस को ले जाके आपको न्यू गेम पे ले जाना है और वहाँ पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। मतलब आपको वाई एक्स बी ए बटन पर क्लिक नहीं करना, आपको टच पर क्लिक करना है। बस जैसे आप टच पर क्लिक करोगे माउस के ऊपर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद आपको कंट्रोल करना है। आपको कंट्रोल के बारे में तो पता होगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ। वाई बटन से जो ई लिखा हुआ आ रहा है आप वाई बटन से मतलब ये सारे सामान है वो ले सकते हो। तो आपको सामान एनालॉग से आपको आगे पे बढ़ना है और वहाँ पे जाके आपको वाई बटन प्रेस करना है। देखो आप पे ई लिखा हुआ आ रहा है पर आपको वाई बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही सारे सामान ले लेता है वो, तो आपको मिशन ऐसे ही है सारे कंप्लीट करना है। वाई बटन लेने के बाद सारे में जल्दी से जल्दी ये सारे ले लेता हूँ सामान, जिससे हमारे डेवलप बढ़ सके और मैं इसमें कार और अपना रूम को मैं एक वीआईपी रूम बना सकूं अपने हाउस को। मैं इसमें आपको अपने हाउस का नाम भी चेंज करके दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इस पर वीडियो डिटेल में नहीं बनाई है। तो सबसे पहले मैं फटाफट सारे वो ले लेता हूँ। दोस्तों आपको एक बात बता दूँ मैं कि आपको जो एक दूसरा एनालॉग दिख रहा है, मैं एक आपको एक एनालॉग जो हमारे लेफ्ट में है उस एनालॉग से आप आगे पीछे होना और सारे डब्बों को ले लेना वाई बटन से प्रेस करके। तो जो आपको एक राइट में एक एनालॉग दिख रहा है उसको आप कंट्रोल मत करना, नहीं तो वो आपको चारों तरफ घुमा देगा। उससे आप मतलब उससे आप एनालॉग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो आप जैसे आप पबजी और फ्री फायर में दाएं बाएं करते हो लेफ्ट राइट करते हो वैसे ही आपको बीच स्क्रीन पे करके एनालॉग को आगे ले जाना है और लेफ़्ट राइट करना है। और वाई बटन से मैंने खिड़की के सारे फट्टे भी ले चुका हूँ और हटा चुका हूँ, जल्दी से आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर मैं लाइव प्रूफ खेल रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने कार फॉर सेल सिमुलेटर में बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप एंड्रॉइड मोबाइल में अपने क्लाउड एमुलेटर के थ्रू कार फॉर सेल सिमुलेटर कैसे खेल सकते हो, वो भी अपने मोबाइल में। तो आप जाके प्लेलिस्ट में भी वॉच कर सकते हो, मैंने बिल्कुल एक डिटेल में इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप जाके वो सारी वीडियो देख लेना। तो फटाफट अपना मिशन कम्प्लीट करता हूँ। तो अब एक फट्टा बचा हुआ उसको मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आ रहा है वाइल स्टार्टिंग, तो आप यहां पे दिखा रहा हो पिकअप, अब दिखा रहा हो देख सकते हो लेट्स ओपन योर ऑफिस। अब मुझे आप अपना ऑफिस को ओपन करना है, तो जल्दी से मैं देख सकता हूँ कितनी कठिन है ये गेम खेलना एनालॉग के। वो भी जल्दी से मैं एक रिमोट भी लाने वाला हूं जिससे कि मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में खेलूँगा। अब जल्दी से जाकर मैं वाई बटन प्रेस करता हूं और चलता है मैं अपने ऑफिस में। आप देख सकते हो अब इस ऑफिस को हमें बिल्ड करना है, मतलब इस ऑफिस को हमें इस तरीके से बनाना है कि जिससे कि हमें इसमें ज़्यादा ग्राहक को ला सकूँ। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा बाहर जाके देखता हूँ चारों तरफ की एरिया कैसा है। तो ये बाहर तो मैं जाना नहीं देगा क्योंकि हमें ऑफिस में ही जाना है। तो फटाफट मैं पीछे को मुड़ता हूँ और ऑफिस में दोबारा जाता हूँ। तो थोड़ा कभी कभी ये गेम में बग भी आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी इस गेम में आवाज़ भी नहीं आती है। तो जल्दी से मैं लैपटॉप के पास जाता हूँ, अपने पीसी के पास जाने के बाद वाई बटन प्रेस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो वाई बटन आ रहा है, आपको यहाँ पर वाई बटन प्रेस करना है। अब आपको जाना है डायरेक्शन में, आप माउस को देखना, मैं माउस कहाँ ले जा रहा हूँ और जाकर वहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये तो गलत हो चुका, मैं माउस को बैक बटन पर ले जाता हूँ, जल्दी से बैक पे क्लिक करता हूँ। इसी वीडियो में आपको नाम भी चेंज करने को मिलेगा, तो मैं अपने YouTube चैनल के नाम पर इस अपने ऑफिस को रखने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं डायरेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो इस पर जाके माउस पर ले जाके आपको माउस के ऊपर ही क्लिक करना है, आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है वाई बी एक्स। अब आप जाके माउस को आपको ऑफिस पर लेके जाना है, ऑफिस पर ले जाकर मैंने इसको सिंग इन पर क्लिक करा। सिंग इन पर क्लिक करने के बाद आपको माउस को लेके जाना है, जो आपको चित्र दिख रहा है इमेज उस पर जाकर आपको क्लिक कर देना। आप देख सकते हो हमारे सामने लिखा आ चुका है कार फॉर सेल नेम चेंज। आप देख सकते हो जहाँ पर मैं माउस ले जा रहा हूँ वहाँ पर ही लिखा हुआ है कार फॉर सेल, आपको उसी पर क्लिक करना है अपने माउस को ले जाकर। तो थोड़ा सा माउस में मेरी दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से मैं अपने माउस को सेट कर लेता हूँ और ले जाके वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब हमें अपने कीबोर्ड को लाना है, तो जहाँ पे मैंने एरो बना रखा आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे आप सर्च मारते हो उसी टाइप से आपको सर्च मारना है कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो जल्दी से मैं दोबारा उस पर क्लिक कर देता हूँ, आपको एक और बार डिटेल में बता देता हूँ। देखिए दोबारा हमारा कीबोर्ड आ चुका है। तो जल्दी से हम अपने गेम का चैनल का नाम रखते हैं अपने ऑफिस का, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ गेम सीसी किंग। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है #GameCCKing, आप भी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो ऐसे ही मैं गेम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो आते रहता हूँ, पर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप मैंने अपने ऑफिस का नाम चेंज कर दिया है, तो मेरे ऑफिस का नाम होगा गेम सीसी किंग। तो आपको क्या करना है, आपको इसको
अपडेट कर देना, अपडेट पे ले जाके माउस को, डस्ट डोलर लगेंगे आपको ऑफिस का नाम चेंज करने के लिए, तो आपके डस्ट डोलर कम हो जाएंगे। ये गेम में आपको गाड़ी भी खरीद सकते हो। जो जल्दी से मैंने माउस को थोड़ा सा सेट करता हूँ और अपडेट पे, अब आपसे बैक कैसे कर सकते हो, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने अपना गेम अपडेट कर दिया है गेम सीसी ऑफिस का नाम, तो अब आप इसे बैक कैसे करोगे। तो बैक करने के लिए आपको मैं एक एरो बता रहा हूँ, आप एरो देख सकते हो, आपको माउस को ले जाके उस पर क्लिक करना है। माउस के बिना भी आप उस पर क्लिक कर सकते हो, आपका वो तुरंत चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको माउस को भी ले जा सकते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो, बिना माउस के भी ले जाके आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो जल्दी से देखो, आपको मैंने वो एरो बताया, आप उसको उसी पर क्लिक करना है, आपको पूरा गेम से आप बाहर आ जाओगे। अब मैं बाहर जाके देखता हूँ अपने ऑफिस से, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी से, अब बिल्कुल इंटरेस्टिंग होता जो जा रहा है गेम। अब मेरे पे बिल्कुल 120 सेकंड बचे हुए, तो आप देख सकते हो हमें न्यू मिशन मिल गया है, फास्ट ट्रेवल लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पे जाके वाई बटन प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर रिलेटेड वीडियो ला दूँगा।